और एक लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि मछली पालन कैसे करना है। तो पहले तो आप देखिए कि अगर आप तालाब के लिए सोच रहे हैं तो तालाब के किनारे कैसे होने चाहिए, तालाब के किनारों पर कौन से पौधे होने चाहिए, और जब एक बार पानी हो जाए, जैसा आप देखिए अगर बोरवेल से पानी दिया जा रहा है तो पानी भरने के बाद कौन कौन सी जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर तालाब की खुदाई हुई है तो उसमें चूने का इस्तेमाल करना है। चूने का इस्तेमाल करने के बाद उसमें जो भी कार्बनिक यौगिक है, गोबर, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डीएपी भी आप डाल दीजिए। और पानी आने के बाद आपको मछलियाँ छोड़नी है। मछलियाँ हम कई तरीके से तालाब में छोड़ते हैं, लेकिन कौन सी मछलियाँ, जैसे मन में लोगों का एक सवाल होता है आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प कौन सी है। तो इंडियन मेजर कार्प का बहुत ही सिंपल मीन है कि रोहू, कतला और नैनी। नैनी को कहीं कहीं मृंगल्स भी बोलते हैं। आजकल जो इन मौसम में सबसे ज़्यादा लोग पाल रहे हैं उस मछली का नाम है पंगेशियस। पंगेशियस एक मछली है जिसका ओरिजिन वियतनाम से है और वो फिट बेस्ड मछली है, ज़्यादा फिट खाती है, तेज़ी से ग्रो करती है। नेचर वाइज वो कैटफिश है, उस पर कोई ऊपर में जो हम देहाती बोलचाल में बोलते हैं कि चोइटा जैसा नहीं होता, बट बढ़वार बहुत तेज़ होता है। इंडियन मेजर कार्प को जब आप पालते हैं तो थोड़ा उसकी तुलना में वृद्धि स्लो है, बट उसका रेट अच्छा है और उनका जो अनुकूलन क्षमता है वातावरण में वो पंगेशियस से बेहतर है। आप देखिए एक स्टैंडर्ड तालाब के पानी का कलर कैसा होना चाहिए, ये कलर है, और इसका पीएच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पीएच को मेंटेन करने के लिए आप बीच बीच में चूने का छिड़काव, अगर आजकल पीएच नापने के लिए कई मीटर्स भी आ गए हैं, पानी को रेगुलरली आपको तालाब में देना है। पानी को देने के लिए कभी कभी आपको उन चीज़ों का सहारा लेना है, जैसे उस कोने में आप देखें कि थोड़ा सा एक चौरस बांस का पट्टा डाला गया है जिस पर जब पानी गिरता है तो वो कई चीज़ों में विभाजित हो जाता है और नीचे मछलियों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। बाकी कुछ कुछ जो केयर्स करने हैं, एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी को कैसे भांपना है, कि ऑक्सीजन की कमी है, मछलियाँ अगर ऊपर सतह पर तैर रही है तो मान लेना है कि ऑक्सीजन की कमी है। फीडिंग देने के लिए आपको ये केयर रखना है कि जिस दिन मौसम ख़राब हो, जिस दिन मौसम में थोड़ा सा बादल जैसा हो, उस दिन फीड नहीं देना है। उस दिन आपको चूने का छिड़काव या अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है, प्रोबायोटिक्स वगैरह का, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहे। जनरली हार्वेस्टिंग का जो टाइम कब होता है, मछलियों के कुछ सिम्टम्स हैं जिसको देख के कौन सी बीमारी होती है, इसको लेके एक और वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल एक तालाब का स्वरूप, तालाब के किनारे कौन से पौधे लगने चाहिए, जैसे आप देखिए आम का है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा पौधे न हों, आपके साउथ साइड में भी बहुत ज़्यादा पौधे न हो, नॉर्थ साइड में आप पौधे लगा सकते हैं, वेस्ट साइड में आप पौधे लगा सकते हैं। वो दोनों इसलिए किए जाते हैं कि उधर के धूप का प्रभाव पड़ना चाहिए तालाब पे, और इस तरीके से आप तालाब को कर सकते हैं। आप किनारे में नींबू के भी पौधे लगा सकते हैं, केले के भी पौधे लगा सकते हैं, इस तरीके से अपने तालाब को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।